कुलाधिपति सुरेश जैन और उनके परिवार के लिए मंगलवार और दिनों की अपेक्षा बेहद खास रहा। ये दिन सौभाग्यशाली हो भी क्यों ना। आचार्य श्री 108 श्रु सागर जी महाराज का सत्संग दिव्य घोष के साथ मंगल प्रवेश हुआ। महाराज जी ने कुलाधिपति को सपरिवार आशीर्वाद दिया। आचार्य श्री श्रु सागर जी का सत्संग समृद्धि में करीब 40 मिनट तक प्रवास रहा। इस दौरान कुलाधिपति के पर्यावरण के प्रति लगाव और पेड़ पौधों के संग्रह की कट मुक्त प्रशंसा की। समृद्धि में औषधि के पेड़ पौधों की न केवल उपयोगिता बताई बल्कि पक्षियों विशेषकर कबूतरों को करीब से निहारा। प्रस्थान से पहले कुलाधिपति सुरेश जैन, फर्स्ट लेडी वीना जैन, जीवीसी मनीष जैन, उनकी धर्मपत्नी रिचा जैन, टीएमयू के एसटी मेंबर अक्षत जैन आदि ने संयुक्त रूप से आचार्य श्री की मंगल आरती, मुनिवर आज मेरी कुटिया में आए हैं की साथ ही दिव्य घोष टीम के अलावा सभी श्रावक श्राविकाओं को प्रसाद का वितरण किया गया। इस मौके पर सिविल इंजीनियरिंग के एचओडी प्रोफेसर आरके जैन, पीएनडी निदेशक विपिन जैन आदि मौजूद रहे। संध्या में आचार्य श्री ने जनोलॉजी पुस्तकालय का उद्घाटन किया। दूसरी ओर इंडोर स्टेडियम में महाराज जी ने अपने आशीष वचन में कहा, जैन धर्म जबरदस्ती का नहीं बल्कि जबरदस्त धर्म है। आचार्य श्री 108 श्रु सागर जी महाराज का सत्संग मंगल विहार बुधवार की प्रातःकाल तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी से अही क्षेत्र के लिए हुआ। इंडोर स्टेडियम में आचार्य श्री ने अपने आशीष वचन में कहा, टीएमयू ऐसा विश्वविद्यालय है जहां लौकिक शिक्षा से साथ धार्मिक शिक्षा भी मिलती है। बड़ा ही सौभाग्य है कि आप इस यूनिवर्सिटी का हिस्सा हैं। जैन धर्म जबरदस्ती का नहीं जबरदस्त है। जो जैन धर्म को मानता है जैन धर्म उसका हो जाता है। व्रत का मतलब बताते हुए बोले, व्रति भोजनम तस्ये आवाहम, व्रतम अर्थात भोजन का अभाव होना ही व्रत है। माँ शब्द के महत्व को समझाते हुए बोले, माँ जब किसी बच्चे को जन्म देती है तो वो जन्म कल्याणक कहलाता है। बोले, जब हम ध्यान करते हैं तो 7 चक्र आते हैं। हिंदू धर्म में वो 7 चक्र पतंजलि योग में भी आते हैं। वैसे ही जैन, मूलाधार आदि 7 चक्र होते हैं। इन 7 चक्रों का विस्तार से वर्णन भी किया। आचार्य श्री 108 श्रु सागर जी महाराज का सत्संग मंगल विहार बुधवार की प्रातःकाल तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी से अही क्षेत्र के लिए हुआ। इस विहार में फैकल्टीज और श्रावक श्राविकाएं 22 किलोमीटर तक शामिल रहे। साधु जीवन मंगलम, जिन धर्म मंगलम, साधु जीवन मंगलम, जिन धर्म मंगलम, हरिहंत उत्तम सिद्ध प्रभु उत्तम, हरिहंत उत्तम सिद्ध प्रभु उत्तम, के राधिनाथ भगवान के, शांतिनाथ भगवान के, कृष्णनाथ भगवान के, महावीर भगवान के, 2400 भगवानों के। आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि ये सारी शिक्षा लौकिक शिक्षा तो मिलती है, परंतु आपको जो ये संस्कार मिल रहा है इसके लिए लोग तरसते हैं। जैन धर्म जबरदस्ती नहीं है, जबरदस्त है। जो करता है उसका हो जाता है, उसका हो जाता है। जितना करता है उतना करता है, उतना हो जाता है, उतना हो जाता है। कोई जरूरी नहीं कि आप कितना करो, जरूरी नहीं है। अगर आपने मॉर्निंग में भोजन नाश्ता किया और उसके बाद भोजन के बीच में जो गैप है उतनी देर के लिए कुछ नहीं खाना, कुछ भी नहीं खाना ना कुछ पीना है, तो उतने देर के लिए भी आपको उस व्रत का लाभ आपको मिलेगा। पंचेंद्रिय मन के विषयों पर संयमित रहना व्रत है। आप महाराष्ट्र के? एमपी से, अच्छा, मध्य प्रदेश। अच्छा ठीक है, ताली बजाओ। भोजनम तस्य अभावः व्रतम, भोजन का अभाव होना, अभाव होना व्रत है। व्रत है। देखिए, अगर आप भोजन करेंगे तो पेड़ पौधे है, ये अनाज है, वो लाना पड़ेगा, उसमें हिंसा है। क्या है? हर समय तो भोजन नहीं करते हैं ना।
जिस समय हम भोजन नहीं कर रहे हैं, हम भोजन नहीं कर रहे हैं, जितने समय तक भोजन नहीं कर रहे हैं, जितने समय तक भोजन नहीं कर रहे हैं, उतना समय हमारा व्रत है। हमारा व्रत करेंगे, नियम करेंगे, भगवान के सामने या जहाँ बैठे वहीं बैठ करके भगवान के या महाराज जी के याद करके आप बोलोगे कि मेरा इतने देर के लिए व्रत है। देखो, रात को सोते हो तो खाते हो, हाथ जोड़ो, रात को सोते वक्त खाते नहीं है, खाते नहीं है, और खाते वक्त सोते नहीं है। ये तो सबको पता है।